हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट। आइए बच्चों, आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हमारा आज चैप्टर 14 स्टार्ट होता है, दैट इज फलों की दुकान। ये कविता है। चलो सबसे पहले हम इस कविता को रीड करते हैं। फलों की है ये दुकान, मालिक है हाजी मस्तान। फल बेचता ताजे मीठे, खाकर लगते शहद सरीखे। आम, चीकू, सेब और केला, फलों का जैसे लग रहा मेला। जो खाई पपीता और अंगूर, बीमारी रहती उससे दूर। अनार, लीची, आड़ू और बेर, बच्चों खाओ शाम सवेर। मीठे ताजे फल तुम खाओ, बल और बुद्धि खूब बढ़ाओ। ये हमने कविता रीड कर ली बच्चों। आप इस कविता को रीड करेंगे पहले, उसके बाद देखो इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है। शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे। यहाँ पर देखो दिया है, शायरी शब्द चुनकर पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनसे चुनकर आपको ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। सही शब्द पढ़ना है। फल बेचता डैश मीठे, फल बेचता ताजी मीठी, खाकर लगते शहद सरीखे। जैसे का जैसे लग रहा मेला क्या आएगा, फलों का जैसे लग रहा मेला। बल और बुद्धि खूब बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए। इसके बाद में ये देखो यहाँ पर टुकड़ों में अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को सही करके आपको शब्द बनाना है। जैसे नंबर वन बनेगा श, देखो शहद, शहद। उसके बाद है बुद्धि, फिर है पपीता, पपीता। फिर क्या है, बीमारी, बीमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सही शब्द लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है, सही स्थान पर अण या अण लिखकर शब्द को पूरे कीजिए। इन दोनों राम से कौन सा अण कहाँ यूज होगा, उसको लिखकर ये हमें शब्द को पूरा करना है। जैसे ये सड़क, ये वाला आएगा। फिर है पापड़, तब भी ये वाला आएगा। फिर है बाण, इस पे ये वाला अण आता है रावण, इसमें भी ये आएगा। फिर है पहाड़, ये। फिर है लड़की, इसमें भी ये वाला आएगा। फिर यहाँ पर देखो कुछ फल के चित्र दिए हैं, उनके चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो मैंने चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। दुकान के मालिक का क्या नाम है, दुकान के मालिक का नाम हाजी मस्तान है। अभी हमने कविता पढ़ी ना, तो कविता को हमें ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें आंसर भी इजीली पता चल जाए। दुकान पर किस प्रकार के फल मिलते हैं, दुकान पर ताजी मीठे फल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया, मींस ये लाइन हमारी गलत है, तो इसे आप नोट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फल खाने से क्या लाभ होते हैं, फल खाने से बीमारी दूर होती है। अगर हम फल फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। कविता में किन फलों के नाम आए हैं, कविता पढ़ी तो उनमें किन किन फलों के नाम आए हैं, आम, केला, सेब, अनार, पपीता, अंगूर आदि। आदि हम क्यों लगाते हैं, मीन्स मान लो बहुत सारे नाम हैं, तो हम सारे नाम ना लिखकर आदि लिख देते हैं। आदि का मतलब होता है कि इसके अलावा कुछ और नाम भी है। आदि फलों के नाम आए हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने ये आदि का यूज यहाँ पर करा है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। इसके पहले देखो ये शब्द अर्थ भी हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। मालिक, मालिक का मतलब क्या है, स्वामी। दुकान का मालिक पूछा है ना, मालिक जो होता है, जो दुकानदार होता है, मीन वो क्या मतलब होता है, सर स्वामी। बीमारी, रोग। सरीखे, जैसी। बल, ताकत। ताजे, अभी अभी पेड़ से तोड़े हुए। ताजे का मतलब क्या होता है, अभी अभी पेड़ से तोड़े हुए। ये हो गए आपके शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से आप अपना चैप्टर 14 अच्छे से रीड कर लेंगे। और बच्चों साथ साथ आप अपनी यूटी की तैयारी ज़रूर करते रहें। आपको पता है कि आपकी यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। मैं आपको सिलेबस भेज चुकी हूँ, तो उस सिलेबस को भी आप अच्छे से याद करते रहें साथ साथ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।